हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम संधारित्रों के वीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे। तो वीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था। वीटस्टोन ने एक ऐसी युक्ति खोजी जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी अज्ञात संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस वीटस्टोन सेतु को तैयार करने के लिए हम 5 कैपेसिटर लेते हैं, संधारित्र लेते हैं, C1, C2, C3 और C4 धारिता के। इसमें जो 4 संधारित्र होते हैं इसको तो हम एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ देते हैं, इसको हम एक समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ देते हैं, इनकी भुजाओं के बीच जोड़ देते हैं। और जो हमारा पांचवां संधारित्र है C5, इसको हम क्या करते हैं, इसके विकर्ण के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं, एक 11 विकर्ण हो गया, 11 विकर्ण हो गया, तो किसी भी एक विकर्ण के बीच ये पांचवां संधारित्र जोड़ देते हैं। और जो उसका दूसरा विकर्ण बचा, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक सप्ताही जोड़ देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। इस तरह से हम सर्किट तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सेतु होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा सेतु को बैलेंस कर लेना। तो एक बार इसकी रचना हम दोबारा लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इसमें 4 संधारित्र होते हैं जिसको हम जोड़ के एक चतुर्भुज बना देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक चतुर्भुज है जो 4 संधारित्रों को जोड़कर बनाया गया है, जिनकी धारिताएं हम मान लेते हैं क्रमशः C1, C2, C3 और C4। इस चतुर्भुज को हम कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ हमने नाम दे दिया चतुर्भुज को ABCD। इस ABCD के एक विकर्ण के बीच तो पांचवा संधारित्र जुड़ा है, और इसका एक विकर्ण और बचा है हमारा कौन सा, AC। तो AC के सिरों के बीच हमें सेल या बैटरी जोड़ देते हैं। तो AC का संबंध हमने एक पावर सप्लाई से कर दिया। तो अब इस संधारित्र किस तरह से काम करता है कि जैसे यहाँ हमने एक कुंजी जोड़ी होगी, जैसे हमने इस कुंजी को दबाया, धारा सप्लाई हमने ऑन की, तो ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। हम जानते हैं कि आवेश कहाँ से बहता है, ऋणावेश से। धनावेश की ओर जो बैटरी में करंट है वो -2+ प्लेट जाती है, यहाँ -2+ की ओर एक यहाँ से क्यू आवेश आ रहा है मान लेते हैं। अब ये जब क्यू आवेश इस पॉइंट ए पर पहुँचता है, तो यहाँ पर इस ए पॉइंट पर इसको 2 रास्ते मिल जाते हैं। तो थोड़ा आवेश ए बी मार्ग से प्रवाहित होता है और थोड़ा AD मार्ग से प्रवाहित होता है। अब जब AB या AD का आवेश इन बिंदुओं पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि पुनः आवेश का वितरण हो जाता है। थोड़ा आवेश BC मार्ग से चला जाता है और थोड़ा BD मार्ग से नीचे को प्रवाहित हो जाएगा। तो ये जो है हमारी सेतु की क्या कहलाती है, असंतुलित अवस्था कहलाती है। हम कहते हैं कि इस अवस्था में हमारा सेतु बैलेंस नहीं है। कब, जब BD में भी आवेश बहे। तो हमारा पहला काम क्या होता है कि सेतु को संतुलित कर लेना। तो संतुलित सेतु की क्या विशेषता है कि संतुलित सेतु में विकर्ण में कोई भी आवेश धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो संधारित्र है इनकी धारिताओं को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस CD की धारिता को हम चेंज करते हैं। तो इसको इस तरह से चेंज करते हैं, इतना चेंज करते हैं कि जो BD भुजा है यानी जो C5 है, इसमें कोई भी आवेश प्रवाहित ना हो, यहाँ पर कोई भी करंट का फ्लो ना हो। तो ये हमारी क्या कहलाती है, सेतु की संतुलित अवस्था। अब क्योंकि संतुलित अवस्था में BD में कोई भी करंट नहीं बह रहा, तो उसका मतलब ये जो B और D के विभव हैं इनमें क्या संबंध होगा, इन दोनों के बिंदुओं के विभव भी क्या हो चुके हैं, समान हो चुके हैं, यानी VB = VD। तो बैलेंस स्टेट में VB = VD हो जाता है। इसका क्या मतलब होगा कि B और D के विभव समान हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जो धनावेश है वो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है। अगर B का विभव ज्यादा होता तो आवेश B से D की ओर बहता, और अगर D का विभव ज्यादा होता तो आवेश D से B की ओर बहता। लेकिन आवेश ना तो B से D की ओर जा रहा है ना D से B की ओर। इस BD भुजा में कोई भी, इस C5 में कोई भी धारा नहीं बह रही, इसमें कोई भी आवेश नहीं बह रहा है। तो उसका मतलब जो B का विभव होगा और जो D का विभव होगा ये एक दूसरे के इक्वल हो गए होंगे। तो तब हम कहते हैं कि सेतु क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो चुका है। तो जब हमने इन संधारित्र की धारिताओं को एडजस्ट करके B और D के विभव बराबर कर दिए, तो सेतु हमारा बैलेंस कहलाता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की धारिताओं का अनुपात बराबर होता है। संलग्न भुजाएं माने जुड़ी हुई भुजा, जैसे AD के साथ कौन सी भुजा जुड़ी है, BC, और ये AD के साथ कौन सी भुजा जुड़ी है, ये CD भुजा जुड़ी है। तो इसका और इसका जो रेशो होगा, इसका और इसका जो रेशो होगा, वो इसके और इसकी धारिताओं के रेशो के बराबर होगा, अर्थात C1/C2 = C3/C4। तो ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है।
इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर संधायित में हमने क्या करना है, पांच संधायित लेने हैं, चार संधायितों को चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ना है और पांचवे संधायित को इसके विकर्ण पे जोड़ना है। इसका जो दूसरा विकर्ण है वहां पर एक सप्लाई लगानी है हमने, बैटरी लगा देनी है। जैसे ही हमने बैटरी से आवेश पारित किया तो आवेश बढ़ जाता है दो भागों में और थोड़ा बीडी में भी आवेश बढ़ने लगता है, तो इस अवस्था में हमारा सेतु बैलेंस नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इस सी थ्री सी फोर को बदल सकते हैं। तो इनको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि बी और डी के वी बराबर हो जाए, यानी बी डी भुजा में कोई भी आवेश ना बढ़े। तो जब बी डी में कोई आवेश नहीं बढ़ेगा उसका मतलब जो बी का वी है वो डी के वी के ठीक बराबर हो गया होगा, तो तब हम कहते हैं कि हमारा सेतु संतुलित हो गया। तो जब सेतु हमारा बैलेंस हो जाता है तो उसकी संलग्न भुजाओं की धारिताओं का अनुपात भी बराबर होता है, यानी भुजा ए बी की धारिता बट्टे भुजा बी सी की धारिता बराबर भुजा ए डी की धारिता बट्टे भुजा डी सी की धारिता, अर्थात सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सी थ्री बाई सी फोर। तो इसको प्रूफ करना है हमने, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि बैलेंस स्टेट में क्या होता है, ये जो C5 है ये प्रभावहीन हो जाता है। यहाँ पर तो कोई आवेश बह नहीं रहा, संधायित्व क्या काम आता है, आवेश इकट्ठा करने में। तो अगर यहाँ कोई आवेश नहीं बह रहा होगा तो यहाँ कुछ आवेश भी इकट्ठा नहीं होगा, उसका मतलब ये संधायित्व हो या ना हो इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वीटस्टोन सेतु की जो संतुलित अवस्था होती है उसमें जो विकर्ण पे जुड़ा जो संधायित्व है वो प्रभावहीन हो जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर कोई भी चार्ज प्रवाहित नहीं होता है, तो संधायित्व का कोई यूज नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो C5 है ये प्रभावहीन हो गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं C5 को हटा देते हैं। इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए हमने क्या कर देना है, सी फाइव को हटा देना है, इसका कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सी फाइव को हटा देना है डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये प्रभावहीन हो चुका है। तो हमारा चित्र कुछ इस तरह का बन गया, तो इसमें अगर हम आवेश वितरण दिखाएं तो यहाँ पर हमारा आवेश आ रहा है क्यू आवेश, तो ये जो क्यू आवेश है यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाता है। मान लेते हैं सी वन में क्यू वन आवेश बह रहा है और सी थ्री में क्यू टू आवेश बह रहा है। अब बैलेंस स्टेट में क्या होता है कि बी डी में कोई भी आवेश नहीं बहता, उसके अंदर जितना आवेश यहाँ हो रहा है यहाँ आ रहा है उतना ही आगे जा रहा है, उसके अंदर सी टू में भी कितना आवेश प्रवाहित होगा हमारा जो आ रहा है, यानी Q1 यहाँ से आ रहा है तो यही आवेश आगे जा रहा है, तो BC और AB में आवेश बराबर हो जाते हैं बैलेंस स्टेट में। असंतुलित अवस्था में ऐसा नहीं होगा, जब सेतु संतुलित हो चुका है तो यहाँ पर आवेश बराबर हो जाएंगे। वही लॉजिक हम यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ Q2 आवेश बह रहा है, BD में कोई भी आवेश नहीं बह रहा, उसका मतलब जितना यहाँ से आवेश आ रहा है उतना ही आगे जा रहा है, तो C4 में भी हमारा कितना आवेश होगा, Q2 आवेश होगा। और इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, विभवांतर का सूत्र लगा देते हैं, क्यू बाई सी आवेश बट्टे धारिता। तो ये एक बार हमने लगा देना है ए बी साइड के लिए, तो मान लेते हैं ए पर वी ओ वी ए है, बी पर वी ओ वी बी है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इजिकल टू आवेश बट्टे धारिता। यहाँ पे कितना आवेश बह रहा है, क्यू वन, और इस भुजा की धारिता कितनी है, सी वन, तो वी ए माइनस वी बी इजिकल टू क्यू वन बाई सी वन, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। अब इसी विभवांतर के फॉर्मूले को हम इस भुजा के लिए लगा देते हैं एडी, एडी के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी इजिकल टू आवेश बट्टे धारिता, यहाँ आवेश कितना बह रहा है क्यू टू और यहाँ धारिता कितनी है सी थ्री, तो आ जाएगा क्यू टू बाई सी थ्री, ये हमारी बन गई इक्वेशन टू। लेकिन इसको इक्वेशन टू मानने से पहले इनके एल एच एस सेम कर देते हैं, तो अभी तो एल एच एस सेम नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि बैलेंस स्टेट के लिए हम लिख चुके हैं कि बैलेंस स्टेट में क्या रूल काम करता है कि जो वी बी और वी डी होते हैं ये बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वी डी है इसकी जगह भी वी बी लिख देते हैं, ये क्यों, क्योंकि बैलेंस स्टेट में वी डी बराबर वी बी, तो वी डी की जगह वी बी रख दें तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इजिकल टू क्यू टू बाई सी थ्री। अब हमारी आ गई इक्वेशन टू, तो पहले हमने ए बी पर विभवांतर का सूत्र लगाया, ए डी पे लगाया और उससे इक्वेशन बना टू बना ली। इस इक्वेशन वन टू को देखेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुके हैं, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, अगर एल एच एस सेम होंगे इनको कंपेयर करोगे तो आर एच एस भी सेम हो जाएंगे, यानी क्यू वन अपॉन सी वन इजिकल टू क्यू टू अपॉन सी थ्री। और आवेशों को एक साथ रख देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा हमारा क्यू वन अपॉन क्यू टू, धारिता वहाँ ले जाएंगे तो क्यू वन अपॉन क्यू टू बराबर सी वन बाई सी थ्री, इसको हम मान लेते हैं समीकरण तीन। अब क्या करते हैं, इस विभवांतर के फॉर्मूले को फिर यहाँ पर लगाते हैं, कहाँ पर, बी सी पर, तो क्या हो जाएगा हमारा वी बी माइनस
VC इज इक्वल टू आवेश बटे धारिता, तो आवेश कितना है यहाँ क्यू वन, धारिता कितनी है सी टू, तो ये हो जाएगा क्यू वन बाई सी टू। ये आ गई हमारी समीकरण चार। फिर इसी विभवांतर के सूत्र को हम इस भुजा पे लगा देते हैं डी सी, इसके लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू आवेश बटे धारिता यानी क्यू टू बाई सी फोर। तो ये आ गई हमारी समीकरण पांच। लेकिन समीकरण पांच मानने से पहले हम देख लेते हैं कि इनके एल एच एस बराबर हैं या नहीं है। तो अभी तो ये बराबर नहीं है, लेकिन इनको बराबर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा सेतु बैलेंस है। तो बैलेंस अवस्था में क्या होता है, वी बी बराबर वी डी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस स्टेट में ये जो हमारा वी डी आर है, तो इसकी जगह भी वी बी मान लेते हैं। मान लेते हैं ये आ गया हमारा वी बी। तो तब ये हमारी समीकरण पांच बन गई। अब यहाँ पर वी डी वी डी नहीं है, वी डी की जगह हमने वी बी मान लिया। इनकी एल एच एस सेम होगी, वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी। तो एल एच एस सेम है तो इनके आर एच एस भी सेम हो जाएंगे। तो उसका मतलब समीकरण चार और पांच की तुलना करने पर हमारा आ जाएगा क्यू वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन सी फोर। फिर आवेश को एक साथ ले लेते हैं, धारिता को एक साथ पक्षांतर कर देते हैं, तो बन जाएगा हमारा क्यू वन अपॉन क्यू टू इज इक्वल टू सी टू बाई सी फोर। तो इससे आ जाती है हमारी समीकरण छः। और हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण तीन बनाई थी हमने, तो इसको ले लेते हैं, और एक जो समीकरण छः बनाई थी इसको ले लेते हैं, इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो फिर इनके एल एच एस सेम है, क्यू वन अपॉन क्यू टू, क्यू वन अपॉन क्यू टू। अगर एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा कि सी वन बाई सी थ्री इज इक्वल टू सी टू बाई सी फोर। तो यहाँ पक्षांतर कर लेते हैं, सी टू को यहाँ ले लेते हैं, सी थ्री को यहाँ ले लेते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू सी थ्री बाई सी फोर। तो जिससे हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, अगर सी टू को यहाँ लिख दें, सी थ्री को यहाँ लिख दें, तो सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सी थ्री अपॉन सी फोर। तो इस तरह से संधारित्रों के वी ट्विस्टन सेतु के लिए हमारी डेरिवेशन प्रूफ हो जाती है। जब सेतु बैलेंस होता है तो उसकी संलग्न भुजाओं की धारिता का अनुपात बराबर होता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला केवल किस पर लगता है, बैलेंस स्टेट में। और इस बैलेंस स्टेट में ये जो हमारा पांचवा वाला संधारित्र था सी फाइव, वो प्रवाहहीन हो जाता है, उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। तो इस संधारित्रों के वी ट्विस्टन सेतु पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके पेपरों में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा वी ट्विस्टन सेतु का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है आपको कि वी ट्विस्टन सेतु बैलेंस कब होता है, जब सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू क्या हो सी थ्री अपॉन सी फोर। ये बैलेंस स्टेट के लिए हमने फॉर्मूला निकाला, उसको रिवर्स कर दें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सी वन अपॉन सी टू सी थ्री अपॉन सी फोर के बराबर आए, तो सेतु हमारा क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास पांच संधारित्र हैं, इस तरह से हमने जोड़े हैं, चार से हमने एक चतुर्भुज बनाया और पांचवा इसके बीच में जुड़ा है। तो यहाँ पर हमको दो पॉइंट दिए हैं ए और बी। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी की तुल्य धारिता क्या होता है। अब मान लेते हैं इसकी धारिता 10 दी है, इसकी धारिता 15 दी है, इसकी धारिता 6 दी है, इसकी 9 दी है, और बीच वाले की धारिता 50 दी है। तो अब यहाँ पर हमने पांच संधारित्र लिए हैं, तो वी ट्विस्टन सेतु तो बन रहा है इनसे। तो पहले हम चेक करते हैं बैलेंस है नहीं है। तो बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू सी थ्री अपॉन सी फोर। तो पहले हम सी वन अपॉन सी टू रफ में निकाल लेते हैं, क्या आ गया हमारा 10/15। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। ऐसे यहाँ सी थ्री बाई सी फोर करेंगे तो हो जाएगा 6/9। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ भी रेशियो कितना आ रहा है, 2/3। यहाँ भी रेशियो कितना आ रहा है, 2/3। उसका मतलब ऐसे तो हमारा बैलेंस है। तो बैलेंस स्टेट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि विकर्ण बी डी में जो विकर्ण है उसमें कोई भी आवेश नहीं बहता है, जिससे पांचवा संधारित्र प्रवाहीन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि जो बीच वाला संधारित्र है इसको काउंट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है हमने। इसकी धारिता जितनी भी दी होगी उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो बच्चे हमारे केवल ये और ये, तो ये तो आसान है कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में। इन दोनों को हम श्रेणी में जोड़ेंगे। उसी प्रकार ये और ये भी किस में जुड़े हैं, श्रेणी में। तो 6 और 9 को भी हम श्रेणी में जोड़ेंगे, कैसे, 1/6 + 1/9। ऐसे यहाँ 1/10 + 1/15 करिए। अब यहाँ से जो आंसर आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा, उनको ए और बी के बीच का जो कैसे जोड़ेंगे हम, समांतर क्रम में। ये इनका हर एक बिंदु ए से जुड़ा है, दो कॉमन पॉइंट्स के बीच जुड़े हैं,
यहाँ से जो टोटल आएगा, मान लो यहाँ से टोटल एक्स आया इनका, इन दोनों को जोड़ के एक्स आया मान लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के वाई आया मान लेते हैं, तो फिर ये जो एक्स और वाई है ये हम पैरेलल में जोड़ देंगे, तो नेट धारिता कितनी हो जाएगी हमारी, एक्स प्लस वाई, क्योंकि पैरेलल में तो सीधे जुड़े जाते हैं सी बराबर सी वन प्लस सी टू, तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो ए और बी के भी तुल्य धारिता भी हमारी निकल जाएगी। उसके बाद आते हैं आवेशीय संधारित्र या चालक की वैद्युत ऊर्जा, या इसको हम स्थिति ऊर्जा भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी चालक या संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो हमको कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वही कार्य क्या होता है उसमें यू के रूप में संचित हो जाता है, तो यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ डब्ल्यू क्या है, चालक या संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। उसको समझने के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक चालक छड़ है, तो इस चालक छड़ को हमने क्यू आवेश देना है। अब मान लेते हैं इसको जो हम ये क्यू आवेश दे रहे हैं ये छोटे छोटे भागों में दे रहे हैं, पहले हमने इसको क्यू वन आवेश दिया, फिर क्यू टू दिया, फिर क्यू थ्री दिया, तो धीरे धीरे करके हम इसको अनेक भागों में ये आवेश दे रहे हैं। तो जब हम इसको आवेश का पहला भाग देते हैं तब तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसे ही दूसरा भाग देते हैं तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो जैसे ही दूसरा भाग दोगे तो ये इससे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको आवेश को अंदर लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। ऐसे जब आवेश का तीसरा भाग लाएंगे तो और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जब किसी चालक को धीरे धीरे आवेशित किया जाता है तो उसको आवेशित करने में थोड़ा सा हमको कार्य करना पड़ता है, तो यही कार्य उसमें यू के रूप में संचित हो जाता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थिति ऊर्जा किए गए कार्य से आएगी। अब कार्य के लिए हम क्या करते हैं, पहले विभव का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो विभव चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश, यहाँ से कार्य बराबर क्या हो जाता है, विभव गुणा आवेश। मान लेते हैं हमने पहले चालक को एक छोटा सा आवेश दिया डी क्यू, इस डी क्यू आवेश देने में क्या गया कार्य डी डब्ल्यू कितना होगा, V इंटू डी क्यू, तो ये आ गया। अब ये हम संधारित्र के लिए लगा रहे हैं, संधारित्र के लिए V का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई सी, तो हम V की जगह Q बाई सी कर देते हैं, तो ये आ गया हमारी समीकरण एक। तो ये सूक्ष्म कार्य आ गया, तो उसका मतलब ये डी क्यू आवेश देने में क्या गया कार्य आया, तो अगर हम चालक को जीरो से क्यू तक जीरो टू क्यू चार्ज देना चाहते हैं, शुरू में तो उसमें जीरो चार्ज था और बाद में कितना दे रहे हैं हम क्यू, तो जीरो टू क्यू चार्ज देने में इससे जो नेट कार्य किया जाएगा वो इसके समाकलन से प्राप्त होगा, तो देखो नेट कार्य डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लिमिट लगा दी हमने जीरो टू क्यू। अब जैसे जैसे हम चालक को आवेशित कर रहे हैं तो उससे क्यू तो चेंज हो रहा है, लेकिन चालक या संधारित्र की धारिता कभी भी चेंज नहीं होगी, धारिता एक कांस्टेंट चीज है, तो समाकलन के समय कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो सी कांस्टेंट है यहाँ, तो सी बाहर आ गया, तो सी बाहर आ गया तो वन अपॉन सी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा हमारा क्यू। अब यहाँ क्यू का मतलब क्यू की पावर वन, तो यहाँ इसका अगर हम समाकलन करेंगे, यहाँ पर अगर हम समाकलन का फॉर्मूला लगा दें तो एक्स की पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर एक बढ़ जाती है, तो यहाँ इसको इंटीग्रेशन का साइन हटा गया, पावर हमारी एक बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा क्यू की पावर टू अपॉन टू, और लिमिट क्या लगाएंगे हम जीरो टू क्यू। तो इसको सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार क्यू की जगह क्यू रखते हैं, एक बार क्यू की जगह जीरो, दोनों को माइनस कर देते हैं, हो जाएगा हमारा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो, या वन बाई सी क्यू स्क्वायर टू माइनस जीरो, तो जीरो को छोड़ दो तो ये डब्ल्यू आ गया हमारा, जो W होता है वही तो U होता है, वही उसमें ऊर्जा के रूप में, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो W की जगह हमने U लिख दिया, तो therefore U इज इक्वल टू, इसको हम साथ देख लेते हैं तो क्या हो गया, वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, U इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया हमारा। तो उसका मतलब आवेश संधारित्र की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और इसमें हम जानते हैं कि क्यू बराबर सी भी होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पे क्यू बराबर सी वी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा हाफ, ये क्यू स्क्वायर है तो हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, एक सी बचा रहा, तो क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसका एक दूसरा रूप आ गया कि अगर यहाँ क्यू की जगह सी वी रख दें उसको सॉल्व करें तो हमारा स्थिति ऊर्जा इस रूप में आ जाता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर।
इसी में एक तीसरा रूप निकालना है, तो हम क्या करते हैं सी की जगह क्यू बाई वी कर देते हैं, माने हाफ तो ऐसी रहा, ये क्यू स्क्वायर भी ऐसी रहा, और ये जो सी आर है इसकी जगह हमने रख दिया क्यू बाई वी, तो ये क्यू से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये वी इंटू में चला गया, तो तीसरा रूप हमारा आ जाएगा यू इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। तो ये तीनों ही फॉर्मूले हैं स्थिति ऊर्जा के, किसी आवेशित चालक या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा या तो हाफ क्यू वी होती है या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी।